ईश, यहाँ तो आग और भी ज्यादा बढ़ गई। अब उस फायर फाइटर को कौन बचाएगा? अंकल्स को बचा कर आते हैं। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 109। ग्रेट आइडिया बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 109। वाओ किको, तुमने जो दिखाई है उसे वन वर्ड में कहते हैं ब्रेवरी। अमेजिंग किको, तुम बहुत बहुत ब्रेव हो। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। शायद ये आवाज बिल्डिंग से ही आ रही है। सुपर स्पीडो, हमें जल्दी कुछ करना होगा। यस किको। आप ठीक तो है मैम? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। ईश, मगर तुम कौन हो भाई? बढ़ाने आया सन सिटी की आन बान और शान, आया हूँ मैं आपका अपना सुपर कप्तान। सुपर कप्तान मतलब सुपर हीरो। सुपर नहीं, सुपर डुपर हीरो। सुपर कप्तान अंकल, आपने उन आंटी को बचा के राइट काम किया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हो किको, तुम्हारे बारे में सुनकर और आज तुमको देखकर ही तो मैं सबकी हेल्प करने के लिए मोटिवेटेड हुआ हूँ। असल में तो तुम ही हीरो हो और तुम भी सुपर स्पीड हो। थैंक यू। अब तो सन सिटी की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए किको और सुपर स्पीडो के साथ साथ सुपर कप्तान भी है। बिल्कुल किको। सुपर कप्तान के आने के बाद तो टोनी बॉस को कोई भी नहीं पूछेगा। वैसे भी पहले कौन पूछता था? क्या मतलब? पहले तो सिर्फ किको और सुपर स्पीडो थे, अब तो सुपर कप्तान के बाद तो आपका चैप्टर लगभग ओवर। सन सिटी में हो गए हैं तीन तीन सुपर हीरो, टोनी बॉस बनकर रह गए सुपर हीरो। अब प्लान सुनो। मैं अभी इनसे सैंडविच ले आती हूँ डोडो। मुझे बचाने के लिए टू वर्ड्स में थैंक यू। मेरे फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए थैंक यू। थैंक्स किस बात का किको, तुमने ही तो कहा था कि अब हम सन सिटी की सुपर टीम है। करेक्ट।
दिमाग में कुछ नहीं खाली है सिर, धड़ाम से गए देखो टोनी बॉस के। टोनी का मुक्का यानी हुड़ हुड़ हुक्का। उड़ती हुई मधुमक्खी ने डुबकी लगा के नारियल पानी का स्ट्रॉ पकड़ लिया। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। पर इसका मतलब तो बताइए। सर पहले में कह रहे हैं कि एक चोर टेम्पो अन्ना के गैरेज से कुछ पार्ट्स चोरी करके भाग गया है। पूरी मोरी मदर, फिर तो टेम्पो अन्ना बहुत सैड हो जाएंगे। ओ नो, हमें चलना चाहिए। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, ये चोर पक्का हाईवे के रास्ते से गया होगा, उसका पीछा करो। ओके बड़ी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आखिर अब हम तो एक टीम है ना। हाँ, आप भी साथ आइए। गीको, तुम कार को फॉलो करते रहो, मैं उसको आगे से पकड़ता हूँ। ओके सुपर कप्तान। ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन चोर हमारे हाथ से निकल गया, अब हम टेम्पो अन्ना को क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं पता कीको, पर ऐसा लगा कि किसी ने हमें धक्का दे दिया हो। जो हुआ सो हुआ सुपर स्पीडो, अब कम से कम बहाना तो मत बनाओ। बहाना? सुपर कप्तान, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं थक गया हूँ या मैंने कोई बहाना दिया हो। आप जानते ही क्या हो मेरे बारे में कि ऐसे बेवजह कमेंट कर रहे हो। आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। सुपर स्पीडो, ये तुमने रॉन्ग किया है बड़ी, सुपर कप्तान को सॉरी बोलो अभी। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, इनफैक्ट सॉरी सुपर कप्तान को बोलना चाहिए। तो तुम सॉरी नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है सुपर स्पीडो, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। I'm sorry, Kiko. मेरी वजह से तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई। I'm really sorry. नहीं नहीं, in fact I'm sorry. सुपर स्पीडो की तरफ से। पता नहीं वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। I hope so. अब चलो Kiko, उस चोर का अभी पता करते हैं। टेम्पो अन्ना को उनकी गाड़ियों के बेशकीमती पार्ट्स हम वापस देकर ही रहेंगे। Yes, let's go. किको, जो सुपर स्पीडो ने किया उसे वन वर्ड में कहते हैं डिसरेस्पेक्टफुल। बहुत बहुत डिसरेस्पेक्टफुल। पर तुम टेंशन मत लो, सुपर स्पीडो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम दोनों ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाओगे। क्या बात कही है, इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। किको, मुझे उस चोर का पता चल गया है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। अरे वाह, अब तो वो चोर बच के कहीं नहीं जा सकता।
अब जल्दी से सुपर स्पीडो को बुलाकर हम तीनों उस चोर को अच्छा सबक सिखाएंगे। नहीं, मैं अकेले ही आपके साथ चलूंगा। मगर सुपर स्पीडो? मैं बिना सुपर स्पीडो के भी रॉन्ग से फाइट कर सकता हूँ। वैसे वो चोर है कहाँ? चोर सन सिटी के बाहर पुराने बड़े एनर्जी स्टेशन के पास है। तो हमें और वेट नहीं करना चाहिए, लेट्स गो। ठीक है किको। किको, तुम इधर ही रहो, मैं अंदर देख के आता हूँ। मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूँ। नहीं किको, तुम बाहर ही रहो, क्योंकि इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ? आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं उस चोर को पकड़ नहीं सकता? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं उसको अंदर से घेरता हूँ और वो जैसे ही बाहर निकलेगा तब तुम उसको पकड़ लेना। फैंटास्टिक आइडिया। आई एम सो सॉरी, वो आपको मैंने ऐसे ही मैं समझता हूँ कीको, कोई बात नहीं, तुम बस बाहर वेट करना और मैं नहीं आऊं तो मैं एक सिग्नल भेजूंगा, तब तुम अंदर आ जाना। ऑल राइट, गुड लक। कप्तान, वो चोर कहाँ है और आप ये क्या हो रहा है? सन सिटी का हीरो बन गया सुपर शैतान, झुको और डरो, आ गया सुपर कप्तान। हाँ? सुपर शैतान, पर तुम तो हीरो थे ना? बच्चे, मैं सुपर हीरो नहीं, सुपर विलेन हूँ जिसके जाल में तुम फंस गए। वो चोर मेरा ही आदमी था, मैंने ही उससे टेम्पो अन्ना के गैराज से चोरी करवाई और मैंने ही उस बिल्डिंग में आग भी लगवाई थी। और तो और, सुपर स्पीडो ने जो अपना बैलेंस खोया था उसके पीछे भी मेरा ही एयर ब्लास्ट था और मैंने ही तुम में और सुपर स्पीडो में झगड़ा लगाया है। तुम सबको उल्लू बनाना तो मेरे सोचने से भी ज्यादा आसान निकला। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी और सुपर स्पीडो की दोस्ती इतनी कमजोर है? मुझे तुम पर पहले से ही शक था। अब सुपर स्पीडो भी तुम्हें इस डिफीट से नहीं बचा पाएगा। सन सिटी का हीरो बन गया सुपर शैतान, झुको और डरो, आ गया सुपर कप्तान। बस किको, अब ये चैप्टर खत्म। हम्म।
R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 817। ओके ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 817। तुम्हें अभी मजा चखाता हूं। किको, मेरे पास पानी लिमिटेड ही है। बस अब ज्यादा देर नहीं सुपर स्पीडो। सनसिटी का हीरो बन गया सुपर शैतान। झुको और डरो, आ गया सुपर कप्तान। इतनी जल्दी नहीं, शायद तुम अब तक पास नहीं आए। तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत हुआ तुम्हारा खेल, अब इस खेल को खत्म करने का टाइम आ गया है। कीको से क्या लड़ता है, हिम्मत है तो पहले मुझे पकड़ के दिखा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रुको, अभी तुम्हारा घमंड तोड़ता हूँ। किको, अपनी ओ किक को एक्टिवेट करो अभी। लगता है अब मुझे मेरी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रफू कोट की फटी जेब से चवन्नी गिर के बदबू वाले मोजे में फंस गई। वाह सर, क्या बात कही है, नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। मतलब सर, पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। टेम्पो अन्ना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सामान को बचा नहीं पाया। अय्या, वो सामान तो वो से फ्रॉड सुपर कप्तान के चोर से जासूस झटपट ने दिलवा दिए जे। ईश, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। हा, हा। एक बार मैंने भी ऐसे ही एक चोर से सबका सामान निकलवाया था। सच्ची में अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे सिर पर टमाटर गिर जाए। इसका मतलब मेयर अंकल फिर से झूठ बोल रहे हैं।